सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। इस वीडियो में आपको मैं एकदम सही पाथ पर ले जाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग भटक चुके हो बिल्कुल ही। 36 जगह से आपने 36 चीज़ें देख ली हैं, जेई एडवांस भी पास आ चुका है और मैं आज आपका गाइड बनने वाला हूँ। किस चीज़ के लिए? जेई एडवांस के लिए। सही सुना आपने। देखो, जेई के तीन कंपोनेंट है, ये अपन ने पहले ही बताया, लक, हार्डवर्क और गाइडेंस। ठीक है, लक तो देखो भगवान देखेंगे, तो इसको अपन साइड करते हैं। बात है, आप दो फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, गाइडेंस एंड हार्डवर्क। हार्डवर्क तो सब लोग कर लेते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती है लोगों को, आधे से ज़्यादा को। मैं बता रहा हूँ, 99% के साथ यही होता है, गलत गाइडेंस के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। गाइडेंस और हार्डवर्क मिलकर बनाते हैं स्मार्ट वर्क। इस वीडियो में आपको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो लोग मेंटरशिप में अपनी प्रोवाइड करते हैं ना पैसा लेके, मैं फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात याद रख लो, जेई मेन्स का टॉपर जरूरी नहीं है कि जेई एडवांस का भी टॉपर हो। तो अगर आपके इवन 2% अच्छे भी आए हैं ना और ख़राब भी आए हैं, तो भाई ये अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई 95% ही आया मेरा एडवांस में, अब कैसे होगा, इतनी बेकार रैंक आई है, 50,000 रैंक आई है, 60,000 रैंक आई है, नहीं होगा। तो ये बिल्कुल मूर्खता है। ठीक है, हर साल ये होता है कि टॉपर जो जेई मेन्स का होता है, जेई एडवांस का नहीं होता। भाई क्यों होता है ऐसा? कुछ तो अलग हुआ ना, क्योंकि मेन्स में थोड़ा स्पीड वाला खेल होता है और एडवांस में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का खेल हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बदल देगी एक तरह से। ठीक है, क्योंकि अभी देखो सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आधे लोग तो यहीं पे ही, 95% कॉम्पिटिशन यहीं खत्म है आपका। मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस और अगर आपने गाइडेंस ही ले रखी है ना, 95% लोग यही निबट लेंगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो अभी आप कर रहे होगे। ठीक है, इन मिस्टेक्स को मैं जरा अभी डिटेल में अपन एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैंने नोटिस करी है, आप लोग पेपर सॉल्विंग का आपका एप्टीट्यूड ही डेवलप नहीं है। तो ये मैं लास्ट वाली टिप पे आता हूँ, सबसे पहले तो इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे लोगों को ये ही नहीं पता भाई कि पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे जेई एडवांस का असली पेपर। ये आपका एटलीस्ट 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। पेपर में 10 मार्क्स मिनिमम बोला है, ये 20-30 भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको टॉपर वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करा था, बहुत इफेक्टिव है। 10-20 नंबर का आपको डिफरेंस ऑन स्पॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट आएंगे, 3 घंटा है पेपर सॉल्व करने पे। पेपर एक एक करके पेपर की बात कर रहे हैं, 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो एक पेपर वन जैसे ले लिए। ठीक है, और मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल था कि अपन करेंगे राउंड्स में पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, जैसे एग्जाम ओपन हुआ, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मान लो थे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में क्या करूंगा, मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है मेरा, तो मैं इस पे गया। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसके इजी वाले जल्दी से छाट देने। जो इजी वाले कैसे पता करने हैं, पता चल जाता है यार ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एक बार ब्रीफ सा रीडिंग करा, हाँ ये इजी है, आई विल डू इट, मैं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लिया। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में जो मेरे को दिख जाएंगे कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम टेकिंग, तो इन्हें मैं मार्क कर दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, मार्क कर दूंगा। ठीक है, मैंने टाइम बचा लिया, फ्लो अपना बिगाड़ा नहीं। ठीक है, फ्लो में चल रहे हैं अपन। अब बात है, मैं फिजिक्स पे आ जाऊंगा। फिजिक्स में मैं वो वाले टॉपिक्स ढूंढूंगा जो मेरे स्ट्रांग है, ठीक है, और जिससे क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं मेरे को, अटेम्प्ट करूंगा, और मीडियम वाले नहीं छूने, बिल्कुल ही नहीं छूना, छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मैथ में भी सेम, जो जो मेरे को ईजी ईजी लगता है सबसे पहले करूँगा। तो अपना फर्स्ट राउंड हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपके जो ईजी वाले हैं छट जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अभी भी हो सकता है कुछ एक दो ईजी छूट जाए, हो सकता है, तो उसके लिए अपन सेकेंड राउंड लेंगे। सेकेंड राउंड में अपन मीडियम वाले उठाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपके ईजी वाले छूट गए फर्स्ट राउंड में, वो भी आप कर सकते हो। अब जो आपने मार्क कर रखे हैं मीडियम वाले, उन पे आपको आ जाना है डायरेक्ट। केमिस्ट्री में करो पहले, फिजिक्स में, मैथ्स में, बस खत्म। मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम यही ओवर हो जाएगा, आप ही को मीडियम वाले पे ही टाइम लग जाना चाहिए जितना मैं समझता हूँ। ठीक है, और अगर नहीं लगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब थर्ड राउंड आ जाएगा, सीधी बात। ठीक है, थर्ड राउंड में आपको हार्ड वाले देखने, जो आपके स्ट्रांग टॉपिक्स है, मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा लेकिन आपने पढ़ रखा है और आपको लगता है मैं किसी तरह इसको क्रैक कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दूंगा तो। ठीक है, और ट्राई करना जो आपके ज़्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना, उस पर ध्यान देना। और एक बार ये एकदम, हाँ, कुछ लोगों के ये होता है ना कि सब्जेक्ट इंडिविजुअल कट ऑफ ही नहीं निकलता, तो एक बार वो ध्यान दे लेना कि इतने आपने अटेम्प्ट कर लिए और आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअल तो आपका सब्जेक्ट कट ऑफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये करना है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे एक टेस्ट पेपर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, हाँ, तो ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको ये फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो मेरे को क्या बोलते हैं,
मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 20 तारीख को हुआ है, तो इसको देखते हैं। देखो मेरा लॉजिक सिंपल है, पेपर आया मेरे हाथ में, ठीक है, तो एकदम नई शीट ले लेते हैं पहले, तो ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, सिंपल एज दैट। सबसे पहले मैं जाऊंगा केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री 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 पे आ गए। अब देखो सेक्शन ए में, अरे यार ये पीडीएफ वाला कचरा लगता है। हाँ तो अब ये देखो सेक्शन ए है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, याद रखो ओनली वन ऑप्शन जब करेक्ट होगा ना तो आपके चांसेस सही होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं हमेशा अटैम्प करता हूँ, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, एक ही ऑप्शन क्योंकि सही रहता है, मल्टीपल में तो फिर भी दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, सॉलिड कंपाउंड एक्स एंड वाई डिसोसिएट इनटू सर्टेन टेम्परेचर, ये डिसोसिएशन का दे रखा है टोटल प्रोसेस। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये किसका क्वेश्चन है बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई कैन डू, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाला मैं कर लूंगा। ऐसी सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल ऑफ एन इंडिकेटर, ये भी डुएबल लग रहा है, ओके। ऊपर ऊपर से देखना है, फिर अटेम्प्ट करके देखना है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ऊपर से ईजी लगते हैं, फिर बाद में टफ लगते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का, ठीक है। और अब ये जैसे कि ये रिएक्शन है, डेल्टा एन निकालना था, देखो डेल्टा एन निकल जाता है, डेल्टा जी वगैरह का फॉर्मूला लगाया, थर्मोडाइनेमिक्स का, समझ में आ गया। और ये देखो ऑल एक्सेप्ट वन हैव NH2, ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा, तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब बात आती है फिफ्थ वाला, डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये वाले क्वेश्चन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्टों में आते हैं, तो ये जरूर से करना होता है आपको। जैसे कि ये पढ़ लो, डिस्टेंस दे रखा है Bi3 के 2i एटम में 3.54, ठीक है। व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोरॉन इफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ i एटम इज 1.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अज्यूम ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सिंगल, मतलब जसारी सिंगल, ये तो भाई ये पता है, इवन तो मेरे को 6 साल हो गए ना, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो कुछ नहीं है। देखो इसने बोला कि Bi3 दे रखा है, तो मैं मानता हूँ Bi3 ये होगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड बोल रहा है, ठीक है, तो एक काइंड ट्राइंगल सा तो पहले ही बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि दो आई एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 3.54, यानी ये तो इसने ये बोला कि ये 3.54 है, ये बोला इसने 3.54 है, ये 3.54 है। जब भी आप क्वेश्चन करो एक डायग्राम बना लो, मैं बता रहा हूँ आधा सॉल्विंग तो यही हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वॉट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोरॉन, मतलब ये पूछ रहा है कि बोरॉन जैसे ये है ना, तो इसकी रेडियस क्या है, कोवेलेंट रेडियस, मतलब ये पूछ रहा है। सिंपल एज दैट भाई, अगर मेरे को पता हो तो बोरॉन का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, अपन को काइंड ऑफ ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज और मिसिंग लग रही है अभी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ अब ये देखो इसने दे रखा है ना आई वाले की दे रखी है, मतलब आयोडीन की, मतलब ये वाला डिस्टेंस दे रखा है आपको, बस ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब बताओ ये बचकाना सवाल नहीं हो गया, ये लो मैं अभी कर दे रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो, ये है बी, ये है आई, ये इधर आपका हाफ हो गया, ये 3.54 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा, 1.77, ठीक है। ये अपन को पता नहीं, ये एक्स है, ये वाला भी अपन को नहीं पता, लेकिन सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल सा लग रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, लॉजिक लगाओगे एक्स कॉस 30 कितना हो जाएगा, 1.77, कॉस 30 की वैल्यू अभी मत बोलना कि नहीं पता, √3/2 होता है, 1.732, देखो 1.732, अब देखो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, 1.732 जो भी होता है 1.73 मान लो, ठीक है, और 2, ठीक है। तो अब अपन को इधर 1.77 दिख रहा है ये, तो अपन सीधा काट देंगे 1 मान लो, ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा बस, ये इतना ये ऐसे एरो बना लो, ठीक है, और इंटू 2, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और अपनी वो कितनी दे रखी थी, आई की रेडियस, भैया आई की रेडियस होता है यार, आई की रेडियस 1.33 है, ठीक है, तो 2 - 1.33 कितना आएगा, लगभग 0.67 आएगा, बट ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आंसर 2 से थोड़ा सा बढ़ेगा। अपन जल्दी से ऑप्शन देखते हैं, 0.71 दे रखा है, 1.77, देखो आंसर सीधे यही हो गया, क्योंकि इसमें अगर देखो कुछ क्लोज होता तो मैं फर्दर कैलकुलेशन करता है, इधर सॉल्व करता, लेकिन ऑप्शन के बीच में ही इतना डिफरेंस दे रखा है तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अब जो लोग कह रहे हैं ये टेस्ट टफ है, तो मुझे केमिस्ट्री में तो टफ नहीं लग रहा, अभी फिजिक्स के ऊपर देख लेते हैं, फिजिक्स में ऐसे में ऊपर जाता कहाँ गया फिजिक्स भैया, तो फिजिक्स में देखेंगे सबसे पहले सिंगल करेक्ट करेंगे, क्या देखा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपॉन अ पॉइंट ऑफ ये इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए इतना, ये जो मुझे क्वेश्चन, ये मुझे उसी से समझ में आ गया कि ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो ये मैं अटेम्प्ट करूंगा ऐसी ये, तो भाई
इजी है, एप्टीट्यूड आपको ऐसी बनाना पड़ेगा, इजी पहले छांटो फिर ये। अब मैं यार पूरा पेपर तो सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि देखो मैं आधे कंसेप्ट तो मैं खुद भूल गया हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ तो 6 साल तो मेरे को भी हो चुका है पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया। अब जैसे जो अभी क्वेश्चन बोरोन वाला करा, इसमें कुछ नहीं था नॉर्मल, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा मैं, ये तो मैथ थी भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई कैसे होगा, आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है। अब आते हैं बाकी टिप्स के ऊपर, जो अभी आप गलतियां कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली गलती तो आपकी यही है कि आपने आसान जो टॉपिक हैं वो छोड़ रखे हैं। कल एक बात हुई मेरी एक लड़के से, उसके 99% आए हैं, लगभग 15-16 हज़ार के आसपास रैंक होगी बंदे की मान लेते हैं, ठीक है। अब बंदे ने प्रोबेबिलिटी छोड़ के जा रहे थे भाई साहब, ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, और मैथ में डूएबल होते हैं प्रोबेबिलिटी के। बंदा बोलता है कि मैं आरबीडी छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं एक बार को मान भी लेता, बंदा बोला प्रोबेबिलिटी छोड़ के आए। तो ऐसे इजी टॉपिक की लिस्ट मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताई थी, तो एक बार चेकआउट कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता दिया है, तो वहां आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा किधर आपका फोकस होने चाहिए हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये गलतियां मत करिए आप। अब बात आते हैं दूसरी चीज पे, स्लीप साइकिल ही खराब कर रखा है कुछ चैंपियन लोगों ने। कुछ चैंपियन लोग सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, शाम में उठ रहे हैं, 7 घंटे की नींद तक पूरी नहीं हो रही, 6-4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले बाहर होंगे कॉम्पिटिशन से, मैं बता रहा हूँ। इनको ही होगा एक्स्ट्रा स्ट्रेस, पैनिक सबसे ज्यादा यही करेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक इनकी हिल जाएगी, क्योंकि जब ये एग्जाम देंगे तब इनको नींद आ रही होगी। तो भाई अभी 20 दिन है, अभी भी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर सकते हो, तो इस पे बैठ जाओ इम्प्रूवमेंट पे आज ही। एक दिन मत सो, फिर अगले दिन सो जाना टाइम पे, और फिर 2-3 दिन आप देखो जब ये करोगे ना, तो आपको एक हफ्ते नींद आएगी भयंकर पढ़ने के समय पे। अब वो आपको तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हगाब तो खुद ही फैलाया है, ठीक है। और इतना याद रखो, 9 से 12, 2 से 5 आपका फुल फोकस मोड होना चाहिए किसी भी तरह, नहीं है तो आप यहीं तो यहीं गलती कर रहे हो, आधे कॉम्पिटिशन से तो बाहर तुम यही हो गए। अब कुछ हैं जो मॉक्स को इग्नोर कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है भाई। क्यों नहीं दे रहे मॉक, क्या कर रहे हो, कब दोगे, एक दिन पहले नहीं ना, क्वेश्चन लगाना ठीक है, नहीं लगा पा रहे क्वेश्चन तो मॉक दो भाई, मॉक में भी तो क्वेश्चन ही होते हैं, टाइम बाउंड मैनर में जब दोगे ना तब तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग समझ में आती है भाई। मेरे को तुम कोई क्वेश्चन दो, ठीक है, मैं आराम से कर दूंगा सॉल्व अगर मेरे को खूब टाइम है, वही मैं अगर टाइम प्रेशर में करूंगा तो हो सकता है गलतियां हो, तो वो अपन को सीखना है। अगर आपके पास अब टाइम नहीं बचा ना, अगर लग रहा है कि अब मैं क्वेश्चन करने में निकल जाएगा सारा टाइम, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन साइड करो, मॉक्स पे उतर आओ, ठीक है। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठता था, ठीक है, 12 बजे सोता था, रात के 12 बजे सो जाता था, 8 बजे 8 घंटे की नींद हो गई, 8 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। 1 घंटे में मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया, फ्रेश फ्रेश हो लिया, सब कर लिया, ठीक है। 9 से 12 पहला मॉक देने बैठ जाता था मैं, ठीक है, फिर 12 बजे उठता था, सोल्यूशन एक बार देखते हो मार्क्स आ जाते थे, मैं अभी इसको एनालाइज नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा पहले कुछ खा पी लूंगा, ठीक है, और अभी भी इसको एनालाइज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, 2 से 5 एक और मॉक दूंगा। अब जब ये मॉक हो जाता था तब मैं इन दोनों को साथ में एनालाइज कर लेता था, तो मैं इस तरह से करता था। अगर आपके पास मॉक ही नहीं है तो भाई मेरे टेलीग्राम में मैंने 36 मॉक दे दिए, जाके ले लो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, विद सोल्यूशन है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन है। देखो टफ करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, अब टफ का ही बात है, मेंस लेवल का नहीं करना है, सीधी बात। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 4-5 दिन पहले एग्जाम से सब कुछ गिव अप कर देना, सिर्फ मॉक भले ही दे सकते हो, लेकिन बाकी चीज बस मॉक भी मत दो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत दो, रिलैक्स करो, क्योंकि मेरे टाइम में तो मैंने 7 दिन रिलैक्स करा था लास्ट में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तब 7 दिन में कुछ उखाड़ तो मैं पाऊंगा नहीं, जो मैंने 1 साल में पढ़ा है, 1-2-3 साल में पढ़ा है, वही मेरे काम आएगा। बस मैंने फॉर्मूले वगैरह लास्ट में रट लिए थे, मतलब वो तो रिवाइज करने पड़ेंगे यार, वरना फॉर्मूले भूल जाओगे तुम, ठीक है, और काम कर रहा था, तो मेरा तो यही है, तो थोड़ा ये करना है, वरना स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका ही एग्जाम कचरा होगा, 20-30% परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अभी इस समय आपको डीमोटिवेटेड जनता से जरूर से दूर हो जाना चाहिए, जो ये ऐसी बातें करते कि भाई मेरा क्यों ही होगा, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्यों ही होगा भाई, लोग 36 बुक पढ़ रहे हैं, 36 सवाल लगा रहे हैं, अपना क्यों होगा भाई, ऐसे लोगों से पहले ही साइड हो जाओ, क्योंकि इस बंदे का तो नहीं होना, इसने खुद ही मेंटली हार मान ली है, पर ये तुम्हें भी हरवा देगा, तुम्हें भी हरवा देगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई हो जाएगा चिल मार, उनके साथ रहो, ठीक है। अब बात है, अगर आपके सिलेबस ही इनकम्प्लीट है तो देखो प्रायोरिटी टॉपिक उठाने का समय आ चुका है, कल वाली वीडियो में जैसे कि बताया था, ठीक है, अब तुम पूरा नहीं कर सकते, अब तुम्हें प्रायोरिटी पे उतर आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हीट और स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये नहीं पता कि आपका सेंटर में AC होगा कि नहीं, कैसा होगा, पंखा भी होगा कि नहीं, इसमें सही बता रहा हूँ,
40 डिग्री टेम्परेचर होगा मई का मौसम है, मान लो नॉर्थ इंडिया में दबा के गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो मान लो एकदम हालत टाइट हो जाएगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना एसी में बैठे हो, तो 30% परफॉर्मेंस तो आपकी ऐसे ही डाउन है, ठीक है। तो भाई समय आ चुका है, अब एसी को त्याग दो वरना आपको जेई एडवांस त्याग देगा, ठीक है। अब पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड मैंने अभी आपको बताई दिया, बस आज की वीडियो में यही था, ये फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। लोग यही चीज़ 1000 रुपये लेके मेंटरशिप में बताते हैं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।